हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत पांडे और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो। आज फ्रेंड्स आपको एसस जेनफोन मैक्स प्रो M1 की स्क्रीन प्रिंटिंग के ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे कैसे एनेबल करें और कैसे यूज करें सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ये जानने के लिए फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए, एक छोटी सी लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दिए। और ऐसी टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स एक छोटे से इंटरव्यू के बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पहले अपने ASUS ZenFone Max Pro M1 के सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर दीजिए। मैं ओपन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, रुकिए थोड़ा। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल पर आने पर एक लिखा हुआ सिक्योरिटी एंड लोकेशन, इसे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स सिक्योरिटी और लोकेशन पर क्लिक करने के बाद आप उसमें नीचे स्क्रॉल करके आना और नीचे लिखा होगा एडवांस, इसे भी क्लिक कर देना। एडवांस लिखने के बाद और एक कुछ खुल जाएगा, इसमें भी नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। वहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया हो गया होगा, उसे आप एनेबल कर दिए। मेरा पहले से एनेबल था, मैं इसे और एक बार एनेबल कर रहा हूँ। एनेबल करने के बाद फ्रेंड्स मैं बैक कर रहा हूँ, आप अपने होम पर चले जाइए और जिस भी एप्लीकेशन को आप पिन करना चाहते हैं पहले अपने रिसेंट ऐप को ओपन कर दिए। मैं अपना देखिए रिसेंट ऐप को ओपन करता हूँ। यहाँ पर सेटिंग मेरा रिसेंट में है और जिस ऐप को भी आप अपने पिन करना चाहते हैं उसकी इस सेटिंग देखो, यहाँ पर एक लोगो है, इस लोगो को क्लिक कर देना है। इस लोगो को क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर तीन ऑप्शन निकल के आ जाता है, ऐप इन्फो, स्प्लिट स्क्रीन और पिन। आपको पिन करना है, पिन पर क्लिक कर देना है। पिन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पिन आता है, इसे गॉट इट पर क्लिक कर देना है। गॉट इट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीन पिन हो गया है। इसे आप मैं जितना बैग मारो जितना होम मारो अब बैग नहीं होगा। अब इसे कैसे बंद करें इस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक बार बैक और होम स्विच को एक साथ होल्ड करके रखना होगा। एक साथ होल्ड करके रखने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा ऑन पिन हो गया है एप्लीकेशन। फ्रेंड्स ऐसे ही आप अपने एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं अपने ASUS ZenFone Max Pro M1 में। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स जरूर कमेंट में बताना। अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।